तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। इस वक्त मैं देख सकते हैं आप LG OLED TV आज इसका रिव्यू करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसके फ्यूचर्स के बारे में आज आप तक जानकारी पहुंचानी मुझे क्या क्या इसके फ्यूचर्स हैं। और सुनने में आ रहा है कि ये TV आप देख सकते हैं OLED TV, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसकी कीमत आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 9 लाख रुपये की है ये TV। आखिर क्या है इसके अंदर ऐसा, इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है गूगल की OLED TV और ये इसका कुछ इस तरह से पूरा, ये LED आप देख सकते हैं। और इसकी अगर थिकनेस की बात करूँ तो ये देखिए एकदम बिल्कुल डिस्प्ले देख सकते हैं आप, और ये बिल्कुल डिस्प्ले एकदम कितनी पतली है। और यहाँ पर ये देखिए कुछ इसके पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये पोर्ट्स में आप 2 पेन ड्राइव्स वगैरह लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट इसमें एक पेन ड्राइव लगी हुई है देखिए, और इसके अलावा आप इसमें OTG वगैरह लगा सकते हैं, HDMI केबल लगा सकते हैं। इसके अलावा ये 77 इंच की है, तो यहाँ पे कुछ इसके डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। तो ये है इसका डिस्क्रिप्शन, तो LG की OLED TV है, A1 थिंक है इसकी, और ये 77 इंच की है, जैसे कि यहाँ पे 77 इंच है और 195 सेंटीमीटर और 164 सेंटीमीटर हाइट और वेट के हिसाब से इसका है। और देखिए इसमें फ्यूचर आप देखिए क्या है, OLED डिस्प्ले है, सेल्फ इसमें लाइट पिक्सल मिल जाते हैं इसमें, और A9 जनरेशन का सेकंड इंटेलिजेंट प्रोसेस, यहाँ पर इंटेलिजेंट जो प्रोसेस पर बात की जाती है, जैसे कि आप देखते हैं हैंग यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर जो है वो सेकंड जनरेशन का है, जो इंटेलिजेंट प्रोसेसर है। जिसके बाद इसमें थिंक देखिए आप, ThinQ OLED इसमें है, बिल्ट इन गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट की मदद से जैसे कि फ़ोन में हम लोग गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, सेम वैसे ही इसमें गूगल असिस्टेंट है। इसके बाद देखिए इसमें एप्पल एयरप्ले 2 है, जो एप्पल के एयरप्ले आप सुनते हैं वही इसमें देखने को मिलेगा, और आप इसमें साउंड की जो क्वालिटी वो ज़बरदस्त मिलने वाली है। उसके बाद देखिए डॉल्बी वर्जन है इसमें, जैसे कि डॉल्बी साउंड चलता है वैसे साउंड है इसमें, AL पिक्चर एंड एयर ब्राइटनेस है, ऑल साउंड इज ऑल एसोसिएटेड थिंकिंग है इसमें। ये देखिए तो वापस एक बार दिखाता हूँ मैं, ये पूरी की पूरी LED जो है वो 77 इंच की, यानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और एकदम क्यूटनेस इसकी डिस्प्ले है। और साथ में देखिए इसका एकदम टोटली वर्जन ज़बरदस्त अभी लॉन्च हुई है। और इसके बाद देखिए इसके कुछ बैनर पे अभी आप देख सकते हैं, तो Alexa बिल्ट है, गूगल असिस्टेंट है, और यहाँ पे ये देखिए एप्पल की जैसे मैंने बात की थी, एप्पल के इसमें एयर प्लग्स है, तो एयर प्लग्स इसमें जो नीचे दिए गए हैं। अब यहाँ पे एयर प्लग कहाँ पर है, तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये इसमें एप्पल के इसमें एयर प्लग्स नज़र आ रहे हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी वाकई बहुत ज़बरदस्त है और वाकई इसमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है इसमें आप लेंगे तो। और जैसे ये देखिए, ये इसका आ जाता है रिमोट, रिमोट भी काफ़ी क्यूटलेस है और काफ़ी अच्छा इसका लुकिंग भी है, देखिए लुकिंग रिमोट है। और यहाँ से जैसे इसको पुश करेंगे तो जैसे कि अभी चल रहा है, तो ये देखिए अभी यहाँ पर रिमोट को मैंने डायरेक्ट इसमें कर दिया, अभी ये माउस के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप इसको प्ले करेंगे या फिर इसको यहाँ, तो ये कट का जो निशान है मैं उसको डायरेक्ट इसमें कट कर सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इस वक्त ये मेरे पास रिमोट है, और मैं रिमोट को जहाँ ले जाऊँगा ये वाईफाई के थ्रू, ये देख सकते हैं बिल्कुल वायरलेस रिमोट है और बिल्कुल ऐसा काम करता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जितने भी यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको भी थोड़ा बैक कर देता हूँ, बैक करने के बाद या ऑलमोस्ट यहाँ वीडियो प्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये वीडियोस लग जाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं शार्क, इसमें देखिए 72, ये मैं कुछ यहाँ पे इसमें प्ले करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी होम पे आ जाते हैं, चलिए तो यहाँ पे देखिए होम है, होम के बाद अब यहाँ पे टोटली इसका जो वर्जन है काफ़ी क्यूटनेस, और इसका जो रिमोट का जो इसकी क्वालिटी है वो वाकई इसकी एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी के साथ आप यहाँ पे रिमोट देख सकते हैं। और इसके अंदर भी आपको जैसे नॉर्मल रिमोट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी क्वालिटी आपको अलग मिल जाती है। यहाँ पे देखिए साउंड का आपको वॉल्यूम बटन मिल जाएगा, इसमें आपकी जो पिक्चर्स की जो आप क्रॉपिंग है वो भी यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गूगल असिस्टेंट, जैसे कि इसमें सब कुछ आपका ये यही कर सकता है एक रिमोट, यहाँ गूगल असिस्टेंट के लिए आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया नेटवर्क इज कनेक्टिंग, अभी मेरे पास जो है वो नेटवर्क नहीं है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है, तो ये गूगल असिस्टेंट आ जाएगा इसमें यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपना वापस रिमोट की तरफ आते हैं, तो देखिए नेटफ्लिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, मूवीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये पूरा माउस यहाँ पे है इस तरह से, ये माउस की तरह, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाऊंगा, तो ये आप इसको ऊपर नीचे करके माउस की तरह भी इसको चला सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर रख देता हूँ मैं, पूरा का इसका कंट्रोल के साथ मिल जाएगा,
अब देखो, अगर यहाँ पर इसकी बात करूँ मैं, इसकी कॉस्टिंग की तो 9 लाख रुपए की है ये, जिसमें आपको इंक्लूड GST और बिल्कुल सब कुछ में एवरीथिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पर 9 लाख रुपए में। ये LED ज़बरदस्त है, हालांकि महंगी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अच्छा दिखाना चाहते हैं, जिनके अच्छे बंगले हैं, जिनके अच्छे फ्लैट्स में भी आप इसको लगा सकते हैं अगर आपके पास ऐसा बजट है। अमीर लोगों के लिए हैं तो अमीर की शान है इसमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं LG की। ये जो मैंने LED आपको दिखाया यहाँ पर, LG का यहाँ पर स्मार्ट LED है ये, इसको दिखाया मैंने आपको। कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।